मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ऑगी 47 व्लॉग्स, योर गर्ल इशू। तो गाइज, काफ़ी दिनों के बाद हम लोग अब फिर से मिलने वाले हैं व्लॉग्स के थ्रू। एंड क्या होता है कि व्लॉग्स इसलिए नहीं आ पाते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो फिर व्लॉग शूट नहीं हो पाता, फिर बिट्टू भी बिजी हो रहे हैं अभी इधर उधर, तो एडिट नहीं हो पाते हैं, तो फिर इसलिए डल नहीं पाते व्लॉग। तो अब से हो सकता है कि डेली व्लॉग आए, लेकिन हाँ, अगर डेली नहीं आया तो एक दो दिन में ज़रूर आएंगे व्लॉग्स, एंड आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, अब बेबी की भी, क्योंकि अब बेबी का आने का भी टाइम हो रहा है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मुझे अंदर से बेबी को लेके, कि पता नहीं कैसा होगा, गर्ल होगी बॉय होगा, समझ नहीं आता। लोग पता नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं गर्ल ही होगी, कुछ लोग बोलते हैं नहीं 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 बॉय ही होगा, तो मुझे तो कुछ समझ आता नहीं है। भाई जो भी हो, बस हेल्दी हो, मस्त हो। एक सबसे पहले तो सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ। एंड आज करवा चौथ है और मेरी ये सेकंड करवा चौथ है, और सेकंड करवा चौथ पे मैं अपने बेबी के साथ हूँ, एंड ये सबसे अच्छी बात है मेरे लिए। बहुत खुशी हो रही है मुझे अंदर से कि हाँ चलो मैं मम्मा बन जाऊँगी अब, और करवा चौथ है आज, इसलिए भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। एंड आज मैंने अपने बिट्टू के लिए फास्ट रखा है। वैसे तो माजी ने बोला था कि मैं नारियल पानी पी लूँ, लेकिन मेरा अंदर से मन नहीं हो रहा था कि मैं नारियल पानी पीऊँ, सच बताऊँ। मतलब अंदर की आत्मा नहीं बोल रही थी कि मुझे नारियल पानी पीना चाहिए, या मुझे नीड है उसकी। वैसे तो मैं सुबह उठती थी डेली, तो मुझे इतनी भूख लगती थी, उठते ही मुझे खाने को चाहिए होता था। आज ना भूख लगी, ना प्यास लगी, ना कुछ, ना चक्कर आ रहे हैं, ना कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है मुझे, है ना। अब हम अभी माँ जी ने सारा काम कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया है आज, बस सो के उठी हूँ अभी बहुत लेट, वो भी 11 बज रहे हैं और मैं 11 बजे सो के उठी हूँ, इसलिए क्योंकि माँ जी ने उठाया नहीं। माँ जी ने कहा अगर सोती रहूँगी तो मतलब ज़्यादा टाइम तक सोऊंगी तो भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, इसलिए माँ जी ने सोने दिया था मुझे। तो फिलहाल मैं अभी सो के उठी हूँ, एंड अब मैं सिर्फ अपनी ही तैयारियाँ करूँगी। माँ जी ने बोला काम वाम कुछ नहीं करना, क्योंकि फिर तुम थक जाओगी, तुम्हें चक्कर आएंगे, उल्टी आएंगी, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें अपना काम करना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या करने जा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने मंदिर में अपने जो बिछिए होते हैं ना, वो रख दिए थे, तो मुझे वो पहनने हैं पहले। एंड गाइस, आपने देखा होगा कि मैं पहले मैंने पिंक कलर के बिछिए पहन रखे थे, उनके ऊपर ना फ्लावर बने हुए थे। तो क्या होता है कि फ्लावर वगैरह कुछ भी लगा होता है ना बिछू के ऊपर, तो वो निकल जाता है, फिर ऑड से लगते हैं। इसलिए मैंने माई से बोला था कि इस बार मतलब बिल्कुल प्लेन और सर्कल वाले, मतलब जो छल्ले वाले होते हैं ना, वो लेके आना। तो इसलिए माँ जी ये वाले लेके आई मेरे लिए, थैंक यू माँ जी और गिफ्ट के लिए। माँ जी का एक गिफ्ट है, माँ जी ने कहा हम दोनों बिछे गिफ्ट में देंगे, मैंने कहा ठीक है। तो ये था माँ जी का गिफ्ट। एंड अब मैं बिट्टू के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करना चाह रही हूँ, बट कैसे करूँ, क्योंकि मैं तो बाहर जा ही नहीं सकती, कुछ कर ही नहीं सकती, तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तब तक थोड़ी देर के लिए मैं सोचती हूँ, फिर मिलती हूँ। नहीं, ये हो रहा है गाइस, देखो हमारी स्कूटियों में, हमारी नहीं चला हुआ की स्कूटी, देखो बिस्लरी में पेट्रोल लेके आ रहे हैं पैदल पैदल, और ये रहे इनके उस्ताद। हाँ भाई उस्ताद, हेलो उस्ताद, नॉट रिस्पॉन्डिंग, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। चल भाई, थोड़ा सा मार्केट का काम है, वो भी निपटाना है जी। तो भी घुस गया गाइस, कह रहे हैं मिल जा, पीछे तो ले लो। नहीं वो तो ले ही लेंगे, उसकी खाएगा तेरा चक्कर तो खाली जाएगा। तीन शिफ्ट हैं यार। अरे नहीं लगता ही है था तीन, शाम को जब कॉल करूंगा तो अरे टेसू बने डरे ही होगे, टीवी और देख रहे होगे। भैया हाइलाइटर दिखा दो, दिखाना ही है बस हाइलाइटर, वीडियो को बना रहा है, एक बार चापा पड़ चुका है, एक बार और पढ़वा देंगे, क्या दिक्कत आ रही है। हाइलाइटर है, चार बार तो पूछ ली तूने, देखा कहाँ रहे हैं जुल्फी। ये खरीदना पड़ता है शादी के बाद, देखो हाइलाइटर्स वगैरह। ये चिराग भाई भी खरीदेगा आज से लगभग 6 महीने बाद, भाई की शादी तय हो गई है, अभी रिवेल नहीं करेंगे पर बहुत जल्दी आने वाली है। इसकी भी न्यूज़ जो है ना आप इंस्टाग्राम स्टोरी पर देख लेना, भाई की मंगनी हो चुकी है, हो गई है। किससे क्या हुई है, रिवेल कर देगा या फिर तू करेगा, मैं करूँगा, अभी होल्ड करें, अभी होल्ड है गाइस। बट अगली करवा चौथ तक भाई भी हाईलाइटर खरीदता हुआ यहीं कहीं मिलेगा भाई बाबूगंज में, ठीक है। चिराग भाई आए अपने के लिए कपड़े लेने, भाई शेर चीता ही गया ना भाई, अभी दिखाई दोबारा दिखाई से अच्छा लग रहा भाई, 3D में नहीं भाई, सेक्सी लग रहा वर भाई को, कपड़े दिखाओ बहुत तगड़े से, भाई की करवा चौथ है आज। तीन जगह बता रहा, तीन जगह, तीन ओई ओ भाई माँ कसम, मानना चाह रहा है मुझे, ये वाला बढ़िया लग रहा, या फिर ये ठीक है, ये ले लो, ये वाले फूल ले लो, पर तेरे फूल का क्या हुआ जो उजाड़ के चली गई, डियर लव कौन है, अरे कौन सा अच्छा लग रहा है, ये
ये देख लो इनमें से देख लो कौन सा बढ़िया होता भाई ने ये लिया घंटा हैप्पी तुम कितने लोग बताते हो आज ये बताओ अरे यार हम सुबह से कितनी बार खा चुके थे पता भी नहीं है हम झूठी बोल देती क्यों ही बोले भाई कोई है ही नहीं तो अच्छी लग रही है वैसे तुम सुंदर लग रही हो नाक छिदवा के हैं क्यूट क्यूट सी अच्छी लग रही है एक मैं अच्छी लेके आई ना तेरी नोज पे नहीं हां देखो रिया ये से मिल रही है सिंजो हमारी जी कहते क्या लाई हो हमारे लिए सिंजो हमारे लिए yes. वो भी तुम हमारे लिए तुम इतनी कब से सुधर रहे लो छीन के खाने वालों में से ले आई आज आई डोंट बिलीव दिस गाइस मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरी चॉकलेट लाई है ये हेलो अच्छा थैंक यू ये क्यों लगाते हैं मारी क्यों लगाते हैं ले भाई शेर क्या कर रहे हो आप भी रेडी हो रहे नहीं मेरे करवा चौथ नहीं है हाँ पार्टी सैड सॉन्ग में गाइस सारी शॉपिंग हो चुकी कंप्लीट और रियल आई अपने के लिए चुलबुल वो कहती है मम्मी कहती है चुलबुल बुलबुल बुलबुल अच्छा हाँ वो कहती है चुलबुल थैंक यू ये मेरे के लिए करवा चौथ का गिफ्ट है ना भाई ऐसी साली होनी चाहिए जो करवा चौथ का गिफ्ट दे साढ़े सात बजे छत पर निकल आएगा यानी कि भाई जा रहा है छत पर लेटर साफ कर ले होगी पूजा वगैरह होगी इसके लिए उसके बाद नहाएंगे उसके बाद होंगे रेडी और अभी बज रहे हैं साढ़े छह तो फटाफट से नहा लेते हैं टट्टी साफ करने पड़े भाई अब देखो जो है सो है देखो ब्लॉग में मैं पता कि आप लोगों से कभी कुछ छुपाता नहीं जो है मतलब जेनुअन बोलता हूँ सही है ना ले भाई क्या लेके जा रहे हो उसमें चिज्जो फंसा रहे हो फंसा रहे हैं देखो ये हमारी जज है और ये है चौकी नहीं माता रानी है झाड़ू लगा चलो ले भाई झाड़ू बोलते हैं टोंटी में लगाएगी टोंटी टोंटा भाई कौन है भाई कौन है तो गाइस मैं बस फटाफट से रेडी हो लूं ऐसी साली देख रहे कितनी मक्कार है हमको बाहर कर रही है और नहीं बहुत प्यारी रेड बुल लाई थी पर पूजा से बाहर कर दिया था गाइस फाइनली रेडी होने के बाद ये लेके आया था आज मैं लक कैसे रहा हूँ ईमानदारी से तो मैं अपनी माँ की कसम भाई जेनुअन बताना कि लक कैसे रहा हूँ भाई देखो एक बार दिखा दूंगा भाई जस्ट लेके आया हूँ थोड़ी देर पहले ही तब कर रहे थे हम लोग शॉपिंग तो मतलब ये लिया मैंने यही पसंद आया बाद बाकी और भी थे ठीक थे बट ये ज्यादा पसंद आया था बाद बाकी मैं रिव्यू लेता हूँ कि कैसा लग रहा है कैसा लग रहा हूँ ये बताओ बहुत सुंदर लग रहा है स्मार्ट हाँ, आगे पीछे प्रॉपर लो भाई पक्का प्रॉपर ओ भाई फ्लॉप कर रही है ब्रो और जी हमारी बहू सुंदर सुंदर सी छोटे ही तो है अच्छा अभी तिलक होगा भाई का है ना तुम भी ब्लॉगर बने भाई ठीक लग रहा है माँ कसम खाओ अपनी माँ कसम अपनी माँ कसम खाओ भाजी सैड सॉन्ग नहीं मैं मस्त लग रहा है है ये सही बता पक्का इसके नीचे ब्लैक जूती पहनेंगे भाई लगेगा स्मार्ट जी कटोरी क्या रखी है खाली इसमें जय तो रखे थे अच्छा तो जमेगा अब जी पूजन करो सब चीजें सिंदूर बिंदूर कहाँ है अब जी अब रखे रहने अब जी सब लगा माँ जी देखना है तो एक बार जी ऐसे नहीं है जी ऊपर ऐसे बोल रहे हैं हाँ तो बाद में मत ही चुपके फिर ये खुल जाएंगे गिर गिरा पड़े तो हल्के से बांधिए ना सारे काम चुपके चावल रख ले पूजा पहले इनको पूजन करो ये गणेश भगवान होता है अच्छा क्या कर दूं इनको करूं दूर पहले चावल दीपक तो कर रहा हूँ पहले
मारी टाइम मिस कर रही है आपका तो ऐसा रहा तेरे मस्त करवा चाह दो जय मैया दीपक जला के रख दूर से जला करो दीपक को बहुत ध्यान देंगे एक बार दीपक जले हो तो जले हो इस पलंग का इस टैंक का भाई स्टैंड ना दिखाई दे रहा भाई जे स्टैंड ना तो दिया उठ के बैठ लिया उन्होंने और सब पे लगा दे सिंदूर सब पे जे आदमी जो बने हैं जे बने हैं चंद्रमा जे सब पे सिंदूर पढ़े ही कैसे सही था छोटा छोटा लिखा है इस पे मुंह एक दिख भी नहीं रहा बड़े बड़े लेके आते ले बुक नहीं आती वहां जिसके अलग से कोई किताब है ना तो वही ले आया करो भाई पेट दबरा बहुत जल्दी जल्दी कर आज मैं पढ़ रहा हूं सब पे ना करवा तो जल्दी ठीक है लगा ले अरे ऐसा ना इधर से हाथ में चला कर उठे चलते ऐसे और सब पे जो सामान है ना भोग लगाए के कौन से मैं जो गाय की पूरी दही है इस पे सब लगाऊं पहले सब लगा पहले इन पे चढ़ाई हो इन पे चढ़ाऊं फिर इन पे ये गणेश जी पे चंद्रमा पे और फिर जो कहानी पढ़ ले बस इतो इस काम और कोई काम ही ना है तो हमारे सब्जी धुआं निकल जाए जी अरे भाई से बहुत सुंदर लग रहे हो भाई दो दो फोन थमा दिए और क्या एक से हाँ सही है बनना सुंदर तो भाई इतने स्मार्ट लग रहे दोनों नहीं आप अभी भी अच्छे लग रहे भाई बीमार पड़े थे कहाँ गए थे इस बार नहीं जाऊंगा मतलब आसपास गए हाँ पैर वैर छूने मैं लग जाती हूँ इस बार नहीं जाऊंगा कहीं है ना बिट्टू सब ब्लॉग देखते हैं भाई ब्लॉग देखते तो देखते हैं अच्छा नजर लगा हैंकी वैंकी डाल लेते ना कुछ भाई का हाथ है ना काफी है चलो भाई आरती वारती तो लगा क्यों छत पे होती है जीजू तो उतार दे रील बनानी है उनको इसलिए ये बंद कर दिया मैंने गाइस रिया ना पता पानी पी के नहीं दिखा रही है भाई देखो इधर हाँ चल पानी पी के दिखा दे हाँ पानी पी के दिखा भाई भरोसा ही नहीं है क्या करूं ना भाई सही है ना भाई वेरीफाइड कर लो लो मैं चावल खा ली पता नहीं अच्छा मेरे सामने नहीं खाया पानी पी के दिखाओ कैमरे में ऐसे आ करके जनता भी तो देखे भाई ले भाई तो ठीक है टेस्टेड ओके ना अब ठीक है अब कोई दिक्कत नहीं आ जाओ भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई हम फालतू में शक्कर रहे थे बेचारी कुवारी लड़की में कोई मतलब है मतलब हमारी सोच कितनी गलत है मतलब इतना गलत है हम इससे भी ज्यादा गलत है भाई बिट्टू मेरे पता है इसको पानी पिलवाया मैंने पानी पी के देखा भाई उसमें ब्लॉग में भाई जनता को भी पता होना चाहिए ना फालतू में भाई मैं बेन चावल खा चुकी हूँ सुबह सुबह मैं नाश्ते पुआ खा चुकी हूँ आपको पता है तो सही है भाई
जाएगा। हाँ ये सब कुछ जाएगा ऊपर, ये सब कुछ जाएगा, ये भी सब जाएगा, जाएगा इसको लेके चलो गाइस। और उसके बाद देखो हमारे बहुत सारे, हमारे पास पता बहुत सारे पटाखे, देखो देखो ये रखे उसको, थोड़ा अंधेरा हो रहा है। हाँ अबे सब ले चलो, जो चलाने होंगे चला ही लेंगे, सब उठा लेगी। देखो बहुत सारे गाइस, गाइस देखो ये रहा चंद्रमामा, चंद्रमामा चंद्रमामा या चंदा मामा है, अरे ये रहा पागल, देखो हाँ मेरे में दादा अच्छा रहा, आपके में कम आ रहा, देखना अच्छा आता रहा, छोटी तो अभी हाँ यार क्लियर आ रहा, बेइज्जती नहीं कर सकते, सब्र का फल बस हो गया थोड़ा सा और, एक पीछे फेंको, अभी इसके बाद क्या है ना, हम बिट्टू को पिलाएंगे इस लोटे से पानी और सांस तोड़वाएंगे इनकी बहन का। लेकिन टेस्टेड ओके भाई, ये पानी पी के देखा, पानी पिया मैंने, कुछ क्या नहीं देखा, पब्लिक नो सर, आई एम सिंगल। हाँ भाई अब तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता, हमारी जय जो होगी पता, खुशी हमारे बन नहीं रहे हो यार, अरे कोई मतलब ही नहीं है, अब तो धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं चंद्रमा, देखो ना ये नाइस, देखो कितने अलग निकल, हाँ आराम से पूरा ब्लॉग आ रहा है। चलो आरती होगी, जा यहीं पे तो पानी वानी पिलाओगे तो फिर दूसरा मिठाई दे, तुम्हें तुम्हें खाई नहीं पाएगी, थोड़े पास आ जाओ तो आओ तुम दोनों सही से, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बड़ा कुछ है इसे हड़बड़ा के नहीं आ रहा हमसे, पैर छुओ पैर ये भैया छुओ भाई, भाई के पैर छुओ फटाफट दो हाथ बांध लो भर भर के, खुश हो जाओ खुश हो जाओ, भाई ऑन टॉप, अरे प्यार मोहब्बत हो रही है यहाँ तो, क्योंकि आप पीछे रह गए, लेट हो आप तो, लेट है कैसे मानी जा नहीं ज्यादा ही लेट है, वीडियो में रील में रहता है बस, दोनों दोनों यही जैसे हैं, नहीं यार सब चीज बैलेंस बना के रखनी पड़ती है, जिस बात बैलेंस नहीं बना पाते दिक्कत तो जाइए, बहुत लेट हो जाते हो और काम में। अब चलो पितरन के सर को शुरू, ईसा को दिखाओ ले, ईसा के दूल्हे को तो देख ले, अरे ले दूल्हा दे, ईसा ही देखूंगी 18 साल तो देख लीजिए, लाइए दिखाइए, अच्छी है दिखा दिखा, वीडियो शूट कर रही हूं, बस पूजा कर आई है लो ऊपर पटाखे चलाए हैं से बताओ कौन स्मार्ट है, मम्मी ऐसे कर रही है, ऐसे मां इधर कर रही है, मम्मी ऐसे, हां मां तो क्या कर रही है ऐसे, ऐसे आप किधर कर रही हैं, आप करते हो ना ऐसे सुंदर वाला, चलो पढ़ाई कर, हां चलो भाई ये काम नहीं होता तुम लोगों पे, मतलब नारियल में छेद नहीं हो पा रहा, अबे कस के करो ऐसे घुमा दो उसको, डन लाइक उठ एक उठे
ये एक घुटी आया पागल, तेरी कसम भाई उसकी सेवा होनी है ठीक है, वो रखी ना क्या अभी हम भी तो अभी रहते हैं, मैं सोया था पानी नहीं पिया था जी, आप क्यों झूठ बोल रहे हो भाई, रेड लाइट घटा के तो थोड़ा सा खाना और खा ले, दूध पी ले फिर बूबू पी लो, उसका पटाखे चलाएंगे। चलो गाइस अब पटाखे चलाने की बारी आ गई है, बिट्टू का व्रत बाद वाली माँ की, माँ जी को देखो भाई कितनी फिगर है, नारियल पानी एक एक पे वादी है, दो पे वादी है, ले भाई मैक्सी मेरा भी फास्ट चक्कर, मैं भी भाई थोड़ा रे का बोल रहा है, ये फंसा रही है, 10 बार खा चुके सुबह से फंसा रही है, मैं फंसा रही हूं, झूठ बोल रही हूं मैं, फंसा तो मैं रात पूरा हां भाई तेरा कौन सा पकड़ लो, हां हमारा तो दे दो नहीं वही वाला दिया था अपना, चेंज कर ले भाई की अरे तुम्हारे फिर उतरवाओ तो गाइस अब चलाएंगे पटाखे बहुत सारे, बूम बम बूम, हरकतबाजी नहीं समझ में आ रही लोगों की मेरे को, और ये जलेगी ना तो फिर इसका कारण ये बनेगी, बताऊं नहीं, हाँ एक बार फट चुकी है, लास्ट ईयर यही हुआ था, जल क्यों नहीं रहा भैया, तेरे गुस्सा आ रहा है मेरे तो, हाँ जलने वाला तुम्हारा, पहले तो ऐसे मत जला, चिंगाई निकलेगी ना हाथ पे, निकलेगी साइड से जला दो होशियार मिले देखो पटक्का चलाने में मालूम पड़ गई है, कुछ नहीं होने वाला तुम लोग, कुछ भी मैं कह रही हूँ लाओ लाइटर या फिर मोमबत्ती, सुनते कहाँ भैया मोमबत्ती थी, हमें पागल हो गए कैसे जल जाएगी, ये तो दो लगा दिए किसी लाइटर के, हम सिगरेट पीते हैं तो लाइटर रख, देखो एक से एक तगड़ा गया नहीं है, चलेगा ओ ले भाई, दिमाग तो मुझ में ही है ना, हाँ मुझ में तो भैया क्या केस है यार, ये कौन है बच्चों वाले चला रही है भाई, है ना हमारी फटाई सुस्त रही है देखना तू साउंड भी आएंगे फट जाती है मेरे हाथ में। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ व्लॉग्स योर अदर इशू, तो गाइस पता है इतने देर रात में कि व्लॉग एंड करने का भी टाइम नहीं मिला, तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय भाई के दिन देखा बस, भाई के दिन क्या है दिन पहुंचा लाना पड़ता हूँ, ये दे ले तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।